हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर चैनल साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट करके बताना कैसा लगा। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करना, चैनल का लिंक शेयर करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए ताकि उनको भी अच्छा अच्छा कंटेंट मिले। साइंस क्लास 10 सैंपल पेपर, अभी जो आपका CBSE का एग्जाम जो अभी होने वाला है, साइंस का पेपर होने वाला है, उसके लिए मैं आपको सैंपल पेपर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनमें वही क्वेश्चन है जिनके एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने अभी तक जो 3 सैंपल पेपर करवा दिए उनके आपको वहां पर लिंक है, वहां से आप देख सकते हो इनको। और चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकते हो जिनके आने के चांसेस इस बार सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये चौथा सैंपल पेपर है, फोर्थ मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसको अच्छे से देखना। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने देखो। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज मीन्ट बाय पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेमेंट, व्हाई आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेमेंट प्लेस्ड इन सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल सिमिलर। यानी दो क्वेश्चन पूछे आपसे, देखो एक तो पूछा है व्हाट इज मीन्ट बाय पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेमेंट, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या, यानी पीरियोडिसिटी को डिफाइन करना है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें यह पूछ लिया कि सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनमें सेम ग्रुप वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों होती है। ठीक है, तो अब इसका आंसर है आपके सामने, एक बार पहले आंसर देख लेते हैं फिर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। When elements are arranged in increasing order of their atomic number, elements with similar chemical properties are repeated at definite interval. This is known as periodicity of properties of element. ये periodicity की definition होगी। अब जो second question है ना कि why elements placed in same group of periodic table have similar properties, उसका answer ये है। Elements placed in the same group of periodic table have similar properties because they have same number of outermost electron and hence show same valency. Thus they will form similar type of compound. क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, पीरियोडिसिटी को डिफाइन करना है। तो पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है कि जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करेंगे तो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होगा, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज विल रिपीटेड आफ्टर ए सेम इंटरवल। यानी एक इंटरवल के बाद वही एलिमेंट आएगा जिसकी सेम प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, जैसे अगर हम ग्रुप नंबर 1 को ले तो ग्रुप नंबर 1 में एक इंटरवल, जैसे कि भाई हम एक पीरियड से अगले पीरियड में जब जा रहे हैं तो सेम ग्रुप में, जैसे ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है, हलीना की रफ से फरियाद, तो इनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है, यही तो पीरियडिसिटी है। पीरियडिसिटी का मतलब यही है कि आफ्टर एन इंटरवल द केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीटेड, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीटेड, सेम वही केमिकल प्रॉपर्टीज आएगी, तो ये पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन लिख दो। अब सेम वो जो अगला पार्ट है ना क्वेश्चन का कि भाई इनकी प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती है, ग्रुप में सेम क्यों होती है, तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइडेड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। केमिकल प्रॉपर्टीज किसके द्वारा डिसाइड होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा डिसाइड होगी। तो जिन जिन में सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी, इसका रीजन भी यही है, पीरियोडिसिटी का कारण भी यही है। व्हाट इज द रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी, द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब इनमें देखो आप में सब में ग्रुप नंबर 1 में सबके पास में क्या है, सबके पास में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। केमिकल प्रॉपर्टीज आर बिकॉज ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दिस शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसी तरह से ग्रुप नंबर अगर हम 2 को देखें, ग्रुप नंबर अगर 2 को देखें, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है। क्यों है, क्योंकि सबके पास में दो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में सबके पास दो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इज ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आफ्टर करेक्टिंग आफ्टर करेक्शन गिविंग रीजन। ठीक है, इन स्टेटमेंट को दोबारा लिखना है, ये करेक्ट नहीं है, करेक्ट करके लिखना है और रीजन भी बताना है कि क्यों। फर्स्ट है इसमें कि एलिमेंट इन द सेम पीरियड हैव इक्वल वैलेंसी, और सेकंड पूछा है कि द मेटेलिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट इन ए पीरियड इंक्रीजेस ग्रेजुअली ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ना इनकरेक्ट है। अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें, देखो आंसर इनके सामने आपके सामने, अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें ना, एलिमेंट इन द सेम पीरियड हैव इक्वल वैलेंसी, भाई इक्वल वैलेंसी कहाँ होती है, पीरियड में सेम होती है कि ग्रुप में सेम होती है, ग्रुप में सेम होती है। तो इसको आप रीराइट कैसे लिखोगे, रीराइट करके आपको इस तरह से लिखना है कि एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव इक्वल वैलेंसी, पीरियड की जगह ग्रुप कर दो। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड पार्ट, द मेटेलिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट इन ए पीरियड इंक्रीजेस ग्रेजुअली ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करें तो मेटेलिक प्रॉपर्टी ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, नहीं इंक्रीज की जगह डिक्रीज होती है, तो डिक्रीज वर्ड कर लो यहाँ पर, इन मेटेलिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट इन ए पीरियड डिक्रीजेस ग्रेजुअली ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये आंसर है इसका आपके सामने, देखो आंसर क्या है कि एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव इक्वल वैलेंसी बिकॉज द एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ। सेकंड पार्ट इसमें जो है ना मेटेलिक प्रॉपर्टी वाला वो देखो, द मेटेलिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट इन ए पीरियड डिक्रीजेस ग्रेजुअली ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। अगर हम पीरियड में जाए लेफ्ट टू राइट,
ठीक है, जैसे पीरियड नंबर ये अगर हम लिखे बकनोफ नी, याद रखो आप बकनोफ नी ये है, ठीक है। सेकंड पीरियड की बात करें अगर हम लेबे, लिथियम बेरिलियम है ग्रुप नंबर 1-2 के, और उसके बाद ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक ये है। तो अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर मूव करें, इस तरफ जाए, ठीक है, लिथियम से अगर हम नियोन की तरफ जाए, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है। मेटेलिक प्रॉपर्टी का मतलब है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? लिथियम, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, इजीली लूज करेगा। ये भी लूज करेगा लेकिन उतना इजीली नहीं जितना लिथियम है। तो ये लिथियम और बेरिलियम में मोर मेटेलिक कौन हो गया? लिथियम। वैसे भी लेफ्ट साइड में सारी मेटल है पीरियोडिक टेबल के, राइट में सारी नॉन मेटल है, तो हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? मेटेलिक प्रॉपर्टी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये आप लिख देना इसमें, मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस ग्रेजुअली। वाई वाई डिक्रीजेस ग्रेजुअली? बिकॉज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस ग्रेजुअली। वाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस? भाई इधर जाने पर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि इधर जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इनकी एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो रही है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होने से जो बाहर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ लिथियम के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लिथियम की एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा है इसमें, ठीक है। पीरियड नंबर सेम है, सबके पास दो दो पीरियड है, यानी दो सेल बन रहे हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, ये के सेल और एल सेल, सेम पीरियड में नंबर ऑफ सेल सेम होते हैं, तो सबके पास दो ही सेल है। अब यहाँ पर लिथियम के पास में फर्स्ट सेल फुली फिल्ड है और सेकंड सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में केवल एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। जैसे जैसे इधर जाएंगे वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होने की वजह से ये इसकी साइज थोड़ी सी ऐसे सिकुड़ जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, तो ये छोटा हो जाएगा। जितनी साइज कम रहेगी, एटॉमिक रेडियस कम रहेगी, उतना ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस कम रहेगी, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा ना भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा ही नहीं, बहुत टाइटली बांध के रखा हुआ है ना, और ये सबसे लूजली पैक्ड है, तो ये बहुत ईजिली छोड़ देगा, ये इसका रीजन, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसके चॉइस में एक और क्वेश्चन है, वो देखो आप, सेकंड के चॉइस में ही पूछा है, इन द पीरियोडिक टेबल हाउ डज द टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन चेंज ऑन गोइंग फ्रॉम। अब देखो यहाँ पर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ही तो मेटेलिक प्रॉपर्टी है। तो ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाला सेम ही है, बस केवल लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया आपसे कि इन द पीरियोडिक टेबल हाउ डज द टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन इज द मेटेलिक प्रॉपर्टी। भाई इसकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन है, ये मेटेलिक प्रॉपर्टी है, तो ये किस तरह से वेरी होती है, मेटेलिक प्रॉपर्टी किस तरह से वेरी होती है, वही सेम क्वेश्चन है। लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड और टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, तो लेफ्ट टू राइट अगर हम अक्रॉस ए पीरियड जाए तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या होती है? ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। और अगर हम ग्रुप में जाए टॉप टू बॉटम तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होती है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हम जाएंगे तो अगले में एक सेल और आ जाएगा, भाई लिथियम से अगर हम सोडियम में जाएंगे तो सोडियम में तीन सेल आ जाएंगे, 11 नंबर पे है ना, तो 2, 8 और 1। उससे अगले में अगर हम जाएंगे पोटेशियम में जाएंगे तो यहाँ पर चार सेल बन गए। जितने ज़्यादा सेल बन गए उतनी ही एटॉमिक रेडियस ज़्यादा हो गई, एटॉमिक रेडियस ज़्यादा हो गई तो लूजली पैक्ड है, आराम से छोड़ देगा। तो सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन होगा इसमें? इनमें सबसे ज़्यादा मेटेलिक ये होगा पोटेशियम, इनमें, अगर मैं इनको नीचे वाले को नहीं ले रहा हूँ, केवल इनको कंपेयर कर रहा हूँ, लिथियम सोडियम और पोटेशियम को, तो इसमें पोटेशियम सबसे ज़्यादा मेटेलिक हो गया। तो इसके आंसर देख लो आप, ये रहा इसका आंसर है, टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड एंड टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस डाउन टू डाउन इन द ग्रुप, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री इज आइडेंटिफाई लेबल्ड पार्ट ए टू डी एंड राइट देयर फंक्शंस। ये जो डायग्राम है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, इसमें आपको चार पार्ट शो कर रखे हैं, ए बी सी डी, चारों को आइडेंटिफाई करना है, यानी इनके नाम लिखना है और इनके फंक्शन बताना है, ठीक है। तो वन बाय वन करके देखते जाते हैं। देखो पार्ट ए क्या है, पार्ट ए वास डिफरेंस है, ठीक है, स्पर्म डक्ट बोलते हैं जिसको हम। पार्ट बी क्या है, पार्ट बी देखो प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे है, ये काउपर्स ग्लैंड है। पार्ट सी क्या है, पार्ट सी को देखो, ये एपिडिडाइमिस। पार्ट डी क्या है, पार्ट डी टेस्टिस है। आइडेंटिफाई हो गए चारों पार्ट, अभी चारों के फंक्शन बता दो। ये आंसर देखो आपके सामने, ये इस तरह से आंसर लिख देना, इन दी गिवन फिगर पार्ट ए इज वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस का काम क्या होता है, कैरी स्पर्म, वास डिफरेंस कैरी स्पर्म, ठीक है, स्पर्म को कैरी करती है कहां से, एपिडिडाइमिस से। और पार्ट बी क्या है, यहां पर देखो पार्ट बी इज काउपर्स ग्लैंड, इसका काम क्या है, द सेक्रेट फ्लूड विच हेल्प इन दी लुब्रिकेशन ऑफ दी पेनिस ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ठीक है, लुब्रिकेटिंग फ्लूड ये रिलीज करती है, सेक्रेट करती है काउपर्स ग्लैंड। और पार्ट सी है, पार्ट सी इज द एपिडिडाइमिस विच स्टोर स्पर्म्स और स्पर्म्स गेट मैच्योर इन दिस पार्ट। पार्ट डी इज द टेस्टिस और टेस्टिस इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसका काम क्या है, प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, लीडिंग सेल्स होती है,
लीडिंग सेल्स स्पर्म के अंदर जो होती है वो स्पर्म प्रोड्यूस करती है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो इन्हीं लीडिंग सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स इन मेल उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर इसमें आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा अलग से पूरा डिटेल में, हर एक ग्लैंड के वहाँ पर रोल और अच्छे से मैंने समझा रखा है। इस पर क्वेश्चन बन सकता है आप, तो आप वहाँ से वो वीडियो जाकर देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, हर एक तीनों ग्लैंड्स के वहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड के, कॉपर ग्लैंड के और वल्वो यूथेरल ग्लैंड तीनों के मैंने फंक्शंस और स्ट्रक्चर अच्छे से बता रखी है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ डिटेल से मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डिड मेंडल इंटरप्रेट द रिजल्ट टू शो द ट्रेट मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव, डिस्क्राइब ब्रीफली। क्वेश्चन समझो, देखो हाउ डिड मेंडल इंटरप्रेट, मेंडल ने किस तरह से इंटरप्रेट किया अपने रिजल्ट को टू शो द ट्रेट मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव, यानी उसने अपना रिजल्ट को किस तरह से इंटरप्रेट किया ये बताने के लिए कि ट्रेट डोमिनेंट होगा कि रिसेसिव। तो डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट वाला उसके मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आता है, तो यहाँ पर आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस को बता दो, उसके रिजल्ट को थोड़ा सा आपको बताना है, ठीक है। तो आप डायग्राम बना के भले बता सकते हो वो टी 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 वाला क्रॉस करके उसका डायग्राम बना के, है ना, ये अच्छे से मैंने आपको हर सैंपल पेपर में लगभग ये क्वेश्चन आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लो आप, ये रहा है, आपके सब समझ में आ जाएगा। मेंडल क्रॉस द पी प्लांट फॉर टू कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर अंडर कंसिडरेशन बाई टू कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, जैसे एक टॉल प्लांट है तो दूसरा ड्वार्फ प्लांट लिया, दोनों के कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स हो गए, तो टू कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स का उसने क्या किया, क्रॉस करवाया। द ट्रेड दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन वाज डोमिनेंट एंड दैट वन नॉट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन वाज रिसेसिव। हमें पता है कि F1 जनरेशन में ओनली डोमिनेंट ट्रेट अपियर होता है और रिसेसिव अपियर नहीं होता, वो F2 में जाके अपियर होता है। ही लेटर सेल्फ द प्लांट ऑफ F1 जनरेशन एंड रिकवर्ड बोथ पेरेंट ट्रेट इन डेफिनेट प्रपोर्शन इन F2 जनरेशन, और वो प्रपोर्शन क्या था, जीनोटाइप फिनोटाइप, फिनोटाइप 3:1 और जीनोटाइप 1:1। मेंडल इंटरप्रेट्स हिज रिजल्ट एज द ट्रेट दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 वाज डोमिनेंट एंड द वन that reappeared in F2 generation was recessive. It can be demonstrated by the following cross. तो ये क्रॉस करके बता दो, इंटरप्रिटेशन के बारे में बता दो कि मेंडल ने इस तरह से क्रॉस करवाया टू कॉन्ट्रास्टिंग पेरेंट्स के बीच में, which have homozygous condition. Homozygous condition यानी कैपिटल टी इस तरह से उसने क्रॉस करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स है, एक दूसरे के अपोजिट ट्रेड्स है, होमोजाइगस कंडीशन है। तो F1 जनरेशन में क्या हुआ, F1 जनरेशन में पता है ये सारे जो प्लांट मिलेंगे वो ये मिलेंगे। अब इसमें ये रिसेसिव वाला है ट्रेड लेकिन अपियर नहीं हो रहा, ओनली डोमिनेंट विल अपियर, ऑल प्लांट विल बी टॉल, बाहर से फिनोटाइप देखने पर सारे टॉल होंगे, ओनली डोमिनेंट ट्रेट विल अपियर इन F1 जनरेशन, रिसेसिव ट्रेट्स डू नॉट अपियर इन F1 जनरेशन। रिसेसिव कहाँ अपियर होगा, F2 में, जब इनके बीच में सेल्फिंग करवाएगा वो। अब जब सेल्फिंग करवाई उसने तो F2 जनरेशन में हमको कैसे मिले, हमको ये चार प्लांट मिले, एक तो ये मिला, दो ऐसे मिले और एक ऐसा मिला, तो ये जो रिसेसिव है वो F2 में यहाँ पर आके अपियर हुआ। तो अब रिजल्ट इंटरप्रिटेशन आपको यहाँ पर बता देना, तो यही लिख देना कि दैट ट्रेट विच अपियर इन F1 जनरेशन इज डोमिनेंट एंड द ट्रेट विच डू नॉट अपियर इन F1 जनरेशन विच अपियर इन F2 जनरेशन इज रिसेसिव, और ये क्रॉस करके थोड़ा सा डायग्राम बना के इसमें बता देना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो ग्रीन हाउस इफेक्ट, और चॉइस में भी एक क्वेश्चन दे रखा है इसके, व्हाई द फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन वैसे तो बनना नहीं चाहिए अवर एनवायरनमेंट जो 16 है उस चैप्टर में से, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि ओजोन के कंसेप्ट में बना है क्वेश्चन, है ना, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ओजोन लेयर और ओजोन लेयर डिप्लीशन में, ओजोन लेयर में ग्रीन हाउस गैसेस आई है भाई, ग्रीन हाउस गैसेस भी ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ में, तो कहीं ना कहीं ये इससे भी लिंक हो सकता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है ग्रीन हाउस इफेक्ट पे। आपको पता होना चाहिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और ये किस तरह से रेस्पॉन्सिबल है। देखो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ना बेनिफिशियल है तब तक जब तक ये एक्सेसिव ना हो, यानी ग्रीन हाउस गैसेस अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में एटमॉस्फेयर में इकट्ठी हो गई ना, तब फिर ये ग्लोबल वार्मिंग को कोज करेगा, अदरवाइज एक लिमिट से कम अगर नीचे है तब तक तो ये बेनिफिशियल है, ठीक है, ताकि अर्थ का टेम्परेचर जो है ना वो एक मेंटेन रहे। अगर ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ के सराउंडिंग में अपर लेयर में नहीं होगी ना, तो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो नेगेटिव में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो इस तरह से बेनिफिशियल, तो वही चीज़ हमको यह बतानी। दूसरा क्वेश्चन आपको आता है, ये फ्लो ऑफ एनर्जी फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है, है ना भाई, यूनिडायरेक्शनल इसलिए होता है क्योंकि सन की एनर्जी जो प्लांट कैप्चर करेंगे वो वापस सन को नहीं जा सकती, प्लांट की एनर्जी जो हर्बीवर में आ गई वहां से वापस प्लांट को नहीं जा सकती, हर्बीवर से जो एनर्जी कार्निवर में आ गई वो वापस हर्बीवर में नहीं जा सकती, दैट्स व्हाई इट इज यूनिडायरेक्शनल। तो अब इसका आंसर आपके सामने, ये देखो पहले क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझते ग्रीन हाउस वाला, फिर उसके बाद ये देखिए, ये ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CO2 CH4 मीथेन एंड CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर एसेंशियल फॉर कीपिंग द अर्थ वार्म एंड हॉस्पिटेबल, दे प्रिवेंट ए substantial part of long wave radiation emitted by the earth to escape into space, but these gases radiate a part of this energy back to the earth. This phenomena is called greenhouse effect. Because of greenhouse effect, the mean annual temperature of earth is 15 degrees Celsius.
इन इट्स एब्सेंस इट विल फॉल टू -18 डिग्री सेल्सियस। तो इंपॉर्टेंस बतानी है यहाँ पर, आप इसको बेल डिफेक्ट नहीं बताना है, इंपॉर्टेंस बतानी है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा क्या है। जैसे ये अर्थ का ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है, और ये अर्थ एटमोस्फेयर है, ये सन की रेडिएशन जो आती है ना वो अर्थ के एटमोस्फेयर में एंटर तो कर जाती है सारी की सारी, ठीक है, ये शॉर्ट वेव होती है। अब यहां से जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है अर्थ की सरफेस से, या जो भी रिफ्लेक्टेड रेडिएशन होगी, ये लॉन्गर वेव रेडिएशन है। और यहां पर ये ग्रीन हाउस गैसेस इकट्ठा हो गई, ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर हो गई, ये ग्रीन हाउस गैसेस है, CO2 है, CH4 है, ठीक है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, कुछ वाटर वेपर भी ये काम करता है, और बाकी ये CFCs है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये ग्रीन हाउस गैसेस। ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करेगी, ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन, जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन जो अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, ये इनको वापस यहाँ ऊपर नहीं जाने देगी, और इनको अगेन रिफ्लेक्ट बैक करेगी, यानी यहाँ से वापस ये रिफ्लेक्ट होकर अर्थ के एटमोसफेयर में ही बनी रहेगी। इससे क्या होगा, अर्थ के एटमोसफेयर जो है वो गर्म रहेगा। अगर ये नहीं होती तो ये सीधे बाहर निकल जाती है ना, एटमोसफेयर से बाहर निकल जाती। तो अब अंदर रहने से ये एटमॉस्फेयर गर्म हो गया, तो इस वजह से जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, और एवरेज टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, यानी इस वजह से ही 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास अर्थ का एवरेज टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर ये फिनोमिना नहीं होना तो अर्थ का टेम्परेचर माइनस में 18 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, तो -18 डिग्री सेल्सियस हार्ड टू सर्वाइव, ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा टेम्परेचर, इसलिए ये इसकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में यहाँ पर आ गई ये ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह, तो ये एवरेज टेम्परेचर जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कोई भी बिल्कुल भी कुछ सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेडिएशन वापस एटमॉस्फेयर में रहेगी, तो फिर एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एवरेज टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो इस ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह से हर साल 1 डिग्री या 0.5 डिग्री या कुछ ना कुछ जो है ना टेम्परेचर, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इससे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, नदियों में बाढ़ आने के चांसेज है, और बहुत सारे इसके और भी जो हार्मफुल इफेक्ट है वो हो सकते हैं, यानी ग्रीन हाउस गैसेस कॉज ग्लोबल वार्मिंग, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन जो है ना यूनिडायरेक्शनल वाला, ये बता आपको आता है, एक बार देख लो उसका आंसर। ये ए फूड चेन कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पॉपुलेशन विच आर रिलेटेड बाय ईटिंग एंड बीइंग ईटन। व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म हु ईट व्होम, कौन किसको खाएगा, ये रिलेशनशिप ही तो है, दैट दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड फूड चेन, यही तो फूड चेन है। अब फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफर यूनिडायरेक्शनल होता है, देर इज ए यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर एंड subsequently to series of different types of consumer, that is solar radiation to producer, then producer to herbivore, then herbivore to carnivore, it cannot pass in reverse direction, there is always a decrease in the flow of energy and content with rise in tropic level as some energy is lost at each step as heat and is also used up in various metabolic activities, this energy flow cannot be reverse, solar energy jo plants ne trap kar li, wo trapped energy se photosynthesis karke unhone food bana liya, wo trapped energy wapis sun ko return nahi ho sakti, जो हर्बीवर्स को घास फूस खाया जानवरों ने, हर्बीवर्स ने प्रोड्यूसर से जो एनर्जी ले ली वो प्रोड्यूसर लेवल से वापस हर्बीवर्स को ट्रांसफर नहीं हो सकती। और इसमें भी हमें पता है 10% एनर्जी लो, ओनली 10% एनर्जी विल पास टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, 90% एनर्जी विल कंज्यूम्ड बाय दैट ऑर्गेनिज्म और दैट लेवल, उस हीट की फॉर्म में अपने बाकी जो एक्टिविटीज़ है, लाइफ प्रोसेस है, उनको करने में वो कंज्यूम कर लेगा, रेस्पिरेशन में कंज्यूम हो जाएगी, टेम्परेचर मेंटेन करने में, या बाकी जितने भी है ना ग्रोथ में, इन सब में वो एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी 90%, तो केवल 10% ही नेक्स्ट लेवल में जाएगी, यानी उसके पास में 10% एनर्जी स्टोर होती है, तो उसको जो कंज्यूम करेगा अगला लेवल उसके पास केवल 10% ही जाएगी पिछले लेवल की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज, ये देखो आपके सामने, व्हाई कार्बन डज नॉट फॉर्म द आयोनिक कंपाउंड, और सेकंड है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। कार्बन आयोनिक कंपाउंड क्यों नहीं बनाता और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी इथेन की, दोनों क्वेश्चन इजी है, मैं आपको पहले भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन बता चुका हूं, सैंपल पेपर पहले वाले में भी थी ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो आंसर आपके सामने ये इस तरह से है कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड कार्बन शुड इधर गेन 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म C4- आयन और शुड lose 4 electron to form C4+ ion, but formation of both these ion is not possible due to high energy consideration, or molecular formula of ethane is C2H6, so electron dot structure is like this, ye ho jayega easily. First question ko aapko thoda sa batata hu ki carbon dekho C4+ aur C4- kyun nahi banata, bhai C4+ aur C4- banayega tabhi to ionic compound hoga, carbon covalent compound form hota hai, ye dono condition carbon mein possible nahi hai, kyun nahi possible hai, because of energy consideration, kaise bata deta hu aapko ek bar fir se, dekho C4+ kab banayega, jab wo 4 electron ko लूज करे, अगर कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे, ये कार्बन का न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और ये सेकंड सेल है जिसमें इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे यहाँ से, ठीक है, तो लूज करने के लिए, क्योंकि कार्बन की स्मॉल एटॉमिक साइज है, एटॉमिक रेडियस बहुत कम है, छोटे एटॉमिक साइज है, टाइटली स्ट्रॉन्ग फोर्स है इनके बीच में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में,
अगर इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करवाना है ना, तो हाई एनर्जी इज नीडेड, बहुत सारी बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये रिमूव होंगे। और रिमूव होने के बाद में फिर इसमें 6 प्रोटोन और 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबल नहीं रहेगा। तो ये कंडीशन इसलिए नहीं होती, और ये कंडीशन इसलिए नहीं होती क्योंकि C4- अगर 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ये लेवे, ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें 6 प्रोटोन है, ये फर्स्ट सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड सेल है, इसमें 4 है, इसके पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 मान लो एक्स्ट्रा इसने गेन किए, ये लो ये 4 हो गए। अब टोटल इलेक्ट्रॉन तो इसके पास कितने हो गए, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8+2 10 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो 10 है, और प्रोटॉन कितने, 6 प्रोटॉन है। तो इम्बेलेंसिंग वाली कंडीशन हो गई ना, कि कैसे 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेंगे भाई, इम्बेलेंस हो जाएगा, स्टेबल नहीं रहेगा इसका एटम। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉट पॉसिबल दैट कार्बन कैन फॉर्म C4-. सो कार्बन कैन नॉट फॉर्म C4+ एंड C4- बिकॉज ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन, ये लिख देना। दैट्स व्हाई इट डू नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड, इट फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। अब इसका सेकंड पार्ट जो है ना, वो इथेन का आपको इलेक्ट्रॉन डॉटर स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखो इथेन ANEN यानी एल्केन, सिंगल बॉन्ड है, और एक वाले को बोलते हैं मीथ, दो वाले को बोलते हैं इथेन, दो कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो फिर 3 हाइड्रोजन लगेंगे, हर एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे, बन गया C2H6 बन गया, यहां पर सब जगह हाइड्रोजन है, C2H6 हो गया। अब C2H6 है तो अब इलेक्ट्रॉन डॉटर स्ट्रक्चर बना लो, एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ये कार्बन हो गया जैसे मान लो, अब यहां पर ये हाइड्रोजन बना दो, 1, 2 ये 3 हाइड्रोजन, इसी तरह से यहां पर भी बना दो, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन यहां हो गया, एक हाइड्रोजन यहां हो गया, और एक हाइड्रोजन यहां हो गया, सिंगल बॉन्ड की सबकी जगह 2-2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, एक कार्बन का यहां पर, चलो मान लो ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का और ये हाइड्रोजन का, ठीक है, ये कार्बन का और ये हाइड्रोजन का, इधर कार्बन कार्बन के, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के आ जाएंगे, एक इसका और एक इसका, इधर कार्बन हाइड्रोजन, तो एक कार्बन एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही कर दो, ये लो ये हो गए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। 8 होने चाहिए इसके आउटर मोस्ट में, 8 है, 2, 4, 6, 8, हाइड्रोजन के 2 होने चाहिए, 2 है, एक इसका, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, ये रेसिस्टिविटी वाला क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इस टाइप का एक एग्जांपल में भी था इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से, ऐसे क्वेश्चन कोई आ सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना इलेक्ट्रिसिटी वाले में से आएगा, रेसिस्टेंस पे आ सकता है या इस पे रेसिस्टिविटी वाले पे भी आ सकता है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। मेन चीज इसमें ध्यान देनी है कैलकुलेशन की, ठीक है, फॉर्मूला और कैलकुलेशन पे आप अच्छे से फोकस करो, हो जाएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन भी आराम से हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना। देखो पहले क्वेश्चन को समझो, एक कॉपर वायर है डायमीटर 0.5 mm, एक कोई कॉपर का वायर है जिसका डायमीटर 0.5 mm है, ठीक है, मान लो ये कॉपर वायर है, ठीक। अब इसका ये जो डायमीटर है, डायमीटर हमको पता है ये वाला होता है डायमीटर, ठीक है, ये डायमीटर होता है, तो ये कॉपर वायर का जो डायमीटर है वो 0.5 mm है। देखो ध्यान देना सबसे पहले यही, देखो 0.5 mm हमारे किसी काम का नहीं है, ऐसा यूनिट में लेना है, इसको मीटर में चेंज करना है, पहली चीज तो ये। एंड रेसिस्टिविटी, और इसकी रेसिस्टिविटी दे रखिए, 1.6 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर, ठीक है, रेसिस्टिविटी दे रखिए आपको। तो रेसिस्टिविटी को हम लिखते हैं रो से, यानी रो की वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक। और कैलकुलेट दी लेंथ ऑफ दिस वायर, आपको इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, यानी देखो डायमीटर आ गया, रेसिस्टिविटी आ गई, तो देखो डायमीटर आ गया 0.5 mm, डायमीटर दे दिया, डायमीटर से आपको क्या, डायमीटर कहीं फॉर्मूले में आएगा क्या, नहीं आएगा, लेकिन एरिया में आएगा, क्योंकि एरिया निकालने के लिए हमको डायमीटर का हाफ करके रेडियस निकालनी है, ठीक है, तो वहां काम में आएगा। लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है, यानी एल आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और देखो आगे बढ़ो क्या कह रहा है, टू मेक इट रेसिस्टेंस 100 ओम, इसका रेसिस्टेंस 100 ओम हो जाए तो कितनी लेंथ रखे, डायमीटर तो दे दिया कि डायमीटर तो इतना रखना है, लेकिन लेंथ कितनी रखे कि इसका रेसिस्टेंस जो है आर कितना हो जाए, 100 ओम हो जाए, तो लेंथ कैलकुलेट करनी है आपको। और सेकंड पार्ट इसमें एक और पूछा कि हाउ डज द रेसिस्टेंस चेंज, रेसिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा इफ द डायमीटर इज डबल्ड, अगर हम इस डायमीटर को 0.5 की जगह mm की जगह डबल कर देंगे विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ, बिना लेंथ को चेंज किए हुए, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हो गए, पहले हमें ये करना है इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो अब आप सोचो कि किस फॉर्मूले में रो भी आता है, आर रेसिस्टेंस भी आता है, लेंथ भी आती है, तो ये रेसिस्टिविटी वाला फॉर्मूला उसी में आती है। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला ये है, देखो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला हमें पता। इस फॉर्मूले में हमें कैलकुलेट क्या करना है, एल कैलकुलेट करनी है, तो एल का फॉर्मूला बना लो पहले। तो भाई ये देखो ये फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे ना हम, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, अब इन दोनों को क्रॉस इनटू कर लो, इनको क्रॉस इनटू कर लो या नीचे डिवाइड में एक करके, तो रो एल इज इक्वल टू आर ए आ गया, हमें एल चाहिए तो एल का फॉर्मूला क्या बन गया, आर ए अपॉन रो। इन तीनों की वैल्यू रखनी है, रेसिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखा है 100 ओम, एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, रेसिस्टिविटी की वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले हम एरिया ही कैलकुलेट करते हैं। इस वायर का
एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, सर्किल बन रहा है ना, सर्कुलर है ये, तो पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर के लिए आपको आर की वैल्यू चाहिए। अब देखो आर की वैल्यू के लिए आपको ये मैंने गिवन करके लिखा है, रो गिवन है, डी गिवन है, आर गिवन है। तो एरिया आपको जब कैलकुलेट करना है तो एरिया का फॉर्मूला ये है पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमें पाई की वैल्यू तो पता है 3.14 हो जाएगी, लेकिन आर कैसे निकालेंगे, तो आर निकालेंगे हम डी बाई टू करके। भाई आर क्या होती है, आर होती है डायमीटर की हाफ, डी बाई टू, तो डी कितना है 0.5 अपॉन 0.5 mm, तो इसका डिवाइड बाई टू कर दिया। अब इस mm को मीटर में चेंज करना है, ये काम करना है। तो सबसे पहले हम mm को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो डिवाइड बाई 10, यानी मैं नीचे डिवाइड बाई 10 कर दिया। अब मैंने इसकी पॉइंट भी हटा ली 0.5 की जगह, तो नीचे इसके साथ में इंटू में और 10 आ जाएगा, तो ये 100 हो गया, 100 लिख दिया यहाँ पर, 5 upon 2 into 100। ये अभी सेंटीमीटर में चेंज हुआ है, मीटर में चेंज करना है तो फिर से डिवाइड बाई 100 करेंगे, तो नीचे देखो 10 की पावर 4 होगी ना, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगी, और 5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2.5, तो मेरे पास में ये वैल्यू आ गई 2.5 × 10⁻⁴ मीटर। ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है मेरे पास में आर की, रेडियस की वैल्यू आ गई। अब मुझे एरिया निकालना पाई आर स्क्वायर, ये पाई की वैल्यू, ये आर की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, इसका स्क्वायर है तो ये लिख दिया। जब इसको सोल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा इस तरह से 1.9625 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू ले ली एरिया की, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये चीज एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वहाँ सेकंड क्वेश्चन में काम में आएगी, थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है ये फॉर्मूला एरिया का, आर की जगह अगर डी बाई टू लिखे, क्योंकि आर क्या होता है रेडियस, डायमीटर का हाफ होता है, तो डी बाई टू का अगर स्क्वायर करूँ तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ये फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। चलो अब इसको छोड़ो, अब हमारे पास में एरिया की वैल्यू आ गई, हमें एरिया की वैल्यू चाहिए थी, आर गिवन है, रो गिवन है, तो आर ए रो तीनों की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर देखो आर की वैल्यू 100 ओम, ए की वैल्यू जो अभी हमने निकाली यहाँ पर ये वाली रख दी, और रो की रेसिस्टिविटी की दे रखी है, तो एल थोड़ा पॉइंट में आएगा अप्रोक्सीमेटली 1200, यानी 1200 मीटर हमारे पास में लेंथ आ गई। अब हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं कि हाउ डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड, अगर हमने डायमीटर को डबल कर दिया तो रेसिस्टेंस कैसे चेंज होगा। तो डायमीटर चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा, एरिया पर डायमीटर चेंज करते एरिया चेंज हो जाएगा। तो आप ध्यान दो कि एरिया से रेसिस्टेंस कैसे रिलेटेड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। भाई हमें पता है कि देखो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो डायमीटर इंक्रीज करने पर एरिया इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, भाई डायमीटर ज्यादा करेंगे तो एरिया भी ज्यादा होगा, डायमीटर ज्यादा करने का मतलब रेडियस ज्यादा, रेडियस ज्यादा हो रही तो पाई आर स्क्वायर, तो एरिया इंक्रीज हो रहा है, एरिया इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा, ठीक, और डिक्रीज हो जाएगा रेसिस्टेंस, इसका आंसर 25 आएगा, जबकि यहाँ पहले इसका रेसिस्टेंस कितना है 100 है, 1/4 टाइम डिक्रीज हो गया। कैसे हुआ इसको समझ लेते थोड़ा सा, यहाँ तक क्लियर है, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अब हम एरिया निकालते हैं जब डायमीटर इसका डबल हो, ठीक है। चलो देखो ये पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, आर की जगह अगर मैं डी बाई टू लिखूँ तो डी बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा। अब डायमीटर को पहले का क्या करना है, डबल करना है, पहले मान लो डायमीटर था डी, तो अब डबल हो गया 2D, तो 2D अपॉन 2 का स्क्वायर ले लिया मैंने यहाँ पर, तो देखो ये पाई तो बाहर है ही, अब देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये मैंने यहाँ 4 लिख दिया, और d का स्क्वायर कितना हो गया d स्क्वायर, और नीचे 2 है इसका स्क्वायर भी कितना हो गया 4, तो पाई d स्क्वायर 4 upon 4। ये बताओ मुझे पाई d स्क्वायर, तो ये वही वैल्यू है ना जो पहले थी, ये तो वही वैल्यू है पाई d स्क्वायर, पाई d स्क्वायर अपॉन 4, पाई d स्क्वायर अपॉन 4 तो वही वैल्यू है जो पहले थी, ठीक है। तो मैं पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 को अगर अलग ले लूँ यहाँ से, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा इसके साथ इंटू में 4, तो ये तो वही एरिया जो पहले वाला एरिया था, तो इसको मैं a लिख देता हूँ, तो a इंटू 4 यानी 4a हो गया, यानी एरिया पहले के बजाय कितना हो गया 4 टाइम इंक्रीज हो गया, 4a हो गया। तो जब पहले रेसिस्टेंस यहाँ पर r कितना था 100 था, जब पहले r 100 था यहाँ पर, भाई फॉर्मूला ये है ना r 1/a, ठीक है, ये 100 था जब एरिया a था, लेकिन अब एरिया क्या हो गया 4a हो गया। जब एरिया यहाँ पर 4a हो गया तो ये रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले का डिवाइड बाई 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। अब नया जो रेसिस्टेंस r डैश आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, r अपॉन 4 हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो r कितना था 100, और 100 बाई 4 कितना हो गया 25, ठीक। तो इस तरह से ये पार्ट ए हो गया कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 8 इज, क्वेश्चन नंबर 8 देखो ये है, हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, इनमें किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, तो नेम बताना आपको, मेथड का नाम बताना, और थोड़ा सा उसको डेफिनेशन टाइप में बता देना कि किस तरह से होता है, ठीक है। हाइड्रा, प्लेनेरिया और ब्रायोफाइलम है, और में भी ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि इनमें किस तरह से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो देखो हाइड्रा में बडिंग होता है, हमने पढ़ लिया, प्लेनेरिया में रीजनरेशन होता है, और ब्रायोफाइलम में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, लीफ की लीफ से, बाई लीफ, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाई लीफ, उसकी जो नोच होती है, एजेज होते हैं लीफ के, एजेज में वहाँ पर नोचेज होती है,
बड बनती है, उन बड़ से नया ब्रायोफाइलम प्लांट बन जाता है जब वो लीफ सैंड में सॉइल में बरी हो जाती है ना, उसके ऊपर अगर रेत वेत आ गई, उसको मॉइस्चर मिला, तो धीरे धीरे वहाँ से नया प्लांट बन जाता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 8 का, और ये आंसर है देखो आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये, इन हाइड्रा ए बड डेवलप एज एन आउट ग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिविजन एट वन स्पेसिफिक साइट विच डेवलप इंटू टाइनी इंडिविजुअल्स एंड डिटेच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी ऑन मैचुरेशन एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। हाइड्रा का डायग्राम देखो आप, है ना, बुक में जो बडिंग वाला डायग्राम है वो, प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीस ग्रो इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। प्लेनेरिया वाला भी ये मैंने पिछले पेपर में भी आपको बताया था। बर्ड थर्ड जो सी का है ना ब्रायोफाइलम, उसका आंसर हो जाएगा बाई बर्ड, यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बर्ड प्रोड्यूस्ड इन द नोचेज अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट, सो दिस मेथड इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाई लीव्स। अब इसके और में जो क्वेश्चन है ना वो है, इसके चॉइस में जो क्वेश्चन है ना, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के सिग्निफिकेंस के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो इस पर मेरा अलग से वीडियो, वाई अलग से वीडियो मैंने बना रखा है, वाई डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहाँ से आप इसको इसका देखो आंसर, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि भाई क्यों सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ी और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। देखो वेरिएशन कोज करता है, ठीक है, और सर्वाइवल एसेक्सुअल की बजाय सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा है, तो वो सारे जो है ना वो इसके आंसर में आ गए। ये पॉइंट देखो आप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग न्यू इंडिविजुअल बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट यूजुअली वन फ्रॉम मेल पेरेंट एंड अदर फ्रॉम फीमेल पेरेंट टू फॉर्म डिप्लॉयड जायगोट विच डेवलप इनटू ए मैच्योर ऑर्गेनिज्म। ये इसके डेफिनेशन आ गई। गैमेट फॉर्मेशन इन्वॉल्व मियोसिस और रिडक्शन डिविजन, द गैमेट मदर सेल इज डिप्लॉयड टू एंड दैट इज इट हैज टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, दिस सिंगल डिप्लॉयड सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस टू फॉर्म फोर हैप्लॉयड डॉटर सेल। ये ओजेनेसिस है, यानी किस तरह से एग सेल्स बनती है। ईच डॉटर सेल बिकम ए गैमेट, यानी एग इधर मेल और फीमेल, एग और स्पर्म बनने की प्रोसेस है ये। ईच गैमेट पजेस सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, एन होता है वो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दस दिस डिविजन इन्वॉल्व कॉपिंग ऑफ डीएनए एज वेल एज सेलुलर एपरेटस। देर इज ए स्टेज इन सच न्यूक्लियर डिविजन विच क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम्स टेक प्लेस, और जब न्यूक्लियर डिविजन होता है तो क्रॉसिंग ओवर होती है, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप विच रिजल्ट इन ए स्लाइट डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन गैमेट्स, यानी कंपोजिशन जो क्रोमोसोम्स का वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है जब ये वाली प्रोसेस होती है, क्रॉसिंग ओवर वाली प्रोसेस होती है। फ्यूजन ऑफ दीज गैमेट्स, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए स्लाइटली डिफरेंट इंडिविजुअल विच शो वेरिएशंस, द वेरिएशन विच लीड टू द अपीयरेंस ऑफ सच कैरेक्टर्स विच फिट टू द चेंजिंग एनवायरमेंट रिजल्ट इन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। Chances of variation therefore are much more in sexual mode of reproduction as compared to asexual reproduction. Moreover, chances of the production of compatible generation are also more in sexual reproduction. So these are the benefit of sexual reproduction या significance of sexual mode of reproduction. इसमें significance ही mainly पूछा है। तो देखो, sexual mode of reproduction is the mode of reproduction in which both male and female gamete involve and produce new जनरेशन, न्यू यंग वंस, ठीक है। हमें पता है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट होता है, उनका फ्यूजन होता है स्पर्म और एग का, और फ्यूजन के बाद फर्स्ट सेल जो बनती है जो जायगोट होती है, जायगोट के बाद में फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और बाकी सारी प्रोसेस होती है। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो 2N सेल जो स्पर्म बना रही है वो सेल, और जो एग बना रही है वो सेल 2N सेल है, वहां से N सेल बनती है। स्पर्म इज हैप्लॉयड, एग इज ऑल्सो हैप्लॉयड, इन दोनों का फ्यूजन से वापस डिप्लॉयड कंडीशन बनती है। और जब इन दोनों का फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, तो उस टाइम क्रॉसिंग ओवर वाली प्रोसेस होती है, इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर, है ना। क्रॉसिंग ओवर जब होता है तो कुछ डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं वहां पर। क्रॉसिंग ओवर आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, मियोसिस सेल डिवीजन जब होता है तो मियोसिस सेल डिवीजन से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाते हैं, और जब क्रॉसिंग ओवर की वाली प्रोसेस होती है तो उससे कुछ न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं, यानी ऐसे कॉम्बिनेशन जो उनके मदर और फादर में नहीं थे, कुछ इस तरह के नया डीएनए उसमें आ जाता है। और ये जो न्यू कॉम्बिनेशन या न्यू वेरिएशन आए, ये वेरिएशन अगर अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर है, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट है, और वो उसको सर्वाइवल में बेनिफिट कर रहे हैं, और ऐसा ही होता है, बेनिफिट ही करते हैं ज्यादातर, तो इसकी वजह से उसके चांसेस इंक्रीज हो गए उस स्पीसीज के कि वो लंबे टाइम तक सर्वाइव करेगी, है ना, आगे तक जाएगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन आए, और वो वेरिएशन होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं उस स्पीसीज के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए। सो ये सिग्निफिकेंस है जो इसके आप में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज राइट ए नोट ऑन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पे आपको एक नोट लिखना है। तो देखो इसमें करना क्या है, इसमें आप ये करो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की डेफिनेशन, इसके टाइप्स और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बता दो, ठीक है। तो ये देखो आपके सामने आंसर है, इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ए न्यू प्लांट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज स्टेम रूट एंड लीव्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन
प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड इन ग्रोविंग मोर प्लांट बाय डिफरेंट मेथड्स लाइक, यानी इस प्रॉपर्टी से यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हम अलग अलग तरह के प्लांट उगा सकते हैं। अलग अलग मेथड है, लेयरिंग है जैसे जैस्मिन में करते हैं, कटिंग मेथड है जैसे सुगरकेन रोज और ग्रेपवाइन में करते हैं, ग्राफ्टिंग मेथड है रोजेज मैंगो सिट्रस फ्रूट्स प्लांट्स में एक्सेट्रा में, ये होती है ठीक है। टिश्यू कल्चर भी इसी में आता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ही टाइप है वो भी। अब ये एडवांटेजेस क्यों है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये भी आप बता दो 2-3 पॉइंट में कि इट इज फास्ट कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल मेथड टू प्रोड्यूस मेनी प्लांट्स ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस। प्लांट्स विच डू नॉट हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इट प्रोड्यूसेस प्लांट आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट प्लांट विद रेस्पेक्ट टू वेरियस ट्रेड्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो प्लांट बनेंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स होंगे, इट तो 100% कॉपी होगी ठीक है। फास्ट है, थोड़े से टाइम में ज़्यादा प्लांट्स बना सकते हैं, इकोनॉमिकल सस्ता भी है। जिनमें सीड्स नहीं बनते उनमें यही मेथड है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है ठीक है, ये अलग अलग मेथड है और वेजिटेटिव पार्ट से बनाना ही होता है। इस पर जो एसेक्सुअल मेथड वाला जो वीडियो है ना उसमें इसको डिटेल से हर एक मेथड का डायग्राम के साथ में मैंने बता रखा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो अच्छे से ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 इज, ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला क्वेश्चन है। देखो आप, टू सर्कुलर कॉइल ए एंड बी आर केप्ट क्लोज टू ईच अदर ऑफ विच कॉइल ए कैरी ए करंट, व्हाट विल यू ऑब्जर्व इन द गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड अक्रॉस द कॉइल बी, यानी कॉइल बी से गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है और कॉइल ए में करंट फ्लो हो रहा है। इफ करंट इन द कॉइल ए चेंज्ड, इफ बोथ द कॉइल्स आर मूव्ड इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस ठीक है। तो ये देखो, ये है कि मान लो ये कॉइल ए है ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है और यहां पर कॉइल बी है जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है ठीक है। ये केस है, दो क्वेश्चन पूछे। इफ करंट इन द कॉइल ए चेंज्ड, गैल्वेनोमीटर में क्या होगा वो बताना है हमको, अगर इसमें हम करंट चेंज करें यानी करंट को कम या ज्यादा करें तो। और दूसरा है कि इफ बोथ द कॉइल आर मूव्ड इन सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड, अगर दोनों को हम सेम डायरेक्शन मान लो हम इधर मूव करें सेम स्पीड से, तब गैल्वेनोमीटर में क्या चेंज होगा ठीक है। तो इसका आंसर देखो आप, ये इसका आंसर है, व्हेन द अमाउंट ऑफ करंट इन द कॉइल ए चेंज्ड एंड इंड्यूस्ड करंट विल इंड्यूस इन द कॉइल बी ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा ना इस कॉइल के, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी इससे निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर सेकंड पर यूनिट एरिया निकल रही है वो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, अभी स्विच ऑफ है मान लो, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे यहां पर, स्विच ऑन करते ही अभी मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है, जब स्विच ऑफ है जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो होगा तो एकदम से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। जब तक स्टेडी करंट है यानी कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है इसकी रीडिंग जीरो से होगी, लेकिन इनिशियली जब करंट इसमें जीरो था और हमने करंट ऑन किया, स्विच ऑन किया, ऑन करते ही एकदम से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो उस टाइम इसमें मैग्नेटिक नेडल में एक तरफ डिफ्लेक्शन होगा, मान लो इस तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है कुछ भी, फिर जैसे करंट स्टेडी हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा ये नेडल यहां पर आ जाएगी, अब स्विच ऑफ करेंगे तो डिफ्लेक्शन होगा अगेन इस डायरेक्शन ठीक है। अब अगर करंट इंक्रीज करे तो इंक्रीज करने से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, इसमें से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा निकलेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा ठीक है। तो ए का आंसर तो ये हो गया। बी का आंसर देखते हैं, बी में क्या पूछा कि अगर दोनों कॉइल को सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव करे तो क्या होगा, इफ बोथ द कॉइल्स आर मूव्ड इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड देन देयर इज नो नेट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, हेंस देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। भाई दोनों कॉइल को सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें ना तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, अगर मैं इसको दूर लेके जाऊं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे कम निकलेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो डिफ्लेक्शन होगा है ना, या इनकी स्पीड अगर सेम ना हो डिफरेंट स्पीड हो तो फिर इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो ही डिफ्लेक्शन से होगा ये देखना। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में जिन जिन सिचुएशन में चेंज होता है वहां वहां डिफ्लेक्शन आएगा, अगर करंट इंक्रीज करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा डिफ्लेक्शन होगा, करंट डिक्रीज करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा डिफ्लेक्शन आएगा, करंट कांस्टेंट है नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नो डिफ्लेक्शन, दोनों सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रही है नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नो डिफ्लेक्शन, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है लेकिन दोनों की स्पीड अलग अलग है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा डिफ्लेक्शन से होगा, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है भले ही सेम स्पीड से हो रही है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन कब होगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कब होगा व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू कॉइल, जब दोनों में रिलेटिव मोशन हो, रिलेटिव मोशन का मतलब समझ रहे हो आप, रिलेटिव मोशन का मतलब कि ये सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से रिलेटिव मोशन नहीं है, दोनों के बीच की डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी ना हर समय, जब सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रही है दोनों के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज होनी चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 है राइट जूल स्लो ऑफ हीटिंग, और इसके और में भी एक क्वेश्चन है, तो पहले हम जूल स्लो ऑफ हीटिंग वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं। जूल स्लो ऑफ हीटिंग को आपको एक्सप्लेन कर देना, देखो ये इसका आंसर है भाई। जूल स्लो ऑफ हीटिंग तो हमें सीधा सीधा पता है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, बस इसी से बता दो कि अकॉर्डिंग टू जूल स्लो ऑफ हीटिंग द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर और इन ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट और रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट और थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, ये है सीधा सिंपल सा। इसके और में जो क्वेश्चन है ना वो देखो, ये है टू रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल अक्रॉस ए बैटरी एज शोन, व्हाट इफेक्ट विल इट हैव ऑन द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर। ठीक है, अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो, पहले डायग्राम में दूसरे डायग्राम में वोल्टमीटर एमीटर की पोजिशन में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, चेंज क्या है, केवल सीरीज और पैरेलल वाला चेंज है कि भाई पहले वाले डायग्राम में हमें देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में दे रखे R1 R2 और सेकंड में पैरेलल में दे रखे। अब यहां पर कोई वैल्यू नहीं दे रखी ना R1 R2 की, इसका मतलब दोनों सेम ही है। देखो R1 इधर भी है, इधर भी R1 है, मतलब वो सेम ही है। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि व्हाट इफेक्ट विल हैव ऑन रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर, एमीटर वोल्टमीटर की रीडिंग में क्या इफेक्ट आएगा। पहले वोल्टमीटर की पोजीशन देखो ध्यान से, सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में भी वोल्टमीटर के जो एंड्स है, वोल्टमीटर के जो सिरे है, वो कहां जुड़े हुए, एक तो R1 के एक सिरे से और दूसरा R2 के एक सिरे से जुड़ा। सेम वही पोजीशन पैरेलल वाले में वोल्टमीटर की पोजीशन में कुछ चेंज है क्या, नहीं है ना, कोई चेंज नहीं है, तो वोल्टमीटर की रीडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रीडिंग होगी सीरीज और पैरेलल में, क्योंकि वोल्टमीटर की पोजीशनिंग इस तरह से। अब एमीटर को देख लेते हैं, एमीटर की पोजीशनिंग क्या है भाई, एमीटर टोटल करंट को मेजर करेगा जो भी इसमें से निकलेगा, लेकिन अब टोटल करंट वेरी हो जाएगा, टोटल करंट सीरीज में और पैरेलल में अलग अलग आएगा ना भाई, सीरीज में रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, आर सीरीज इज मोर देन आर पैरेलल, जहां पर आर ज्यादा होगा वहां पर करंट कम होगा, जब करंट कम होगा तो रीडिंग कम आएगी एमीटर की, तो जब सीरीज में एमीटर की रीडिंग क्या होगी, लेस, क्योंकि रेसिस्टेंस ज्यादा है, और पैरेलल में एमीटर की जो रीडिंग आएगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, मोर रीडिंग, और यहां पर लो रीडिंग, यहां पर हाई रीडिंग, मोर रीडिंग या हाई रीडिंग, क्योंकि आई करंट क्या होता है, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, जहां रेसिस्टेंस ज्यादा है वहां पर करंट कम रहेगा, यानी वोल्टमीटर की रीडिंग कम रहेगी, तो करंट ज्यादा कहां पर है, सीरीज में ज्यादा है, आर सीरीज इज मोर देन आर पैरेलल, जब ये आर सीरीज ज्यादा है तो आई कम हो जाएगा, तो एमीटर की रीडिंग कम आएगी इन केस ऑफ सीरीज। ठीक है, तो ये आंसर है इसका, देखो आंसर ये रहा आपके सामने, देयर विल बी नो चेंज इन द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर बिकॉज अप्लाइड वोल्टेज रिमेन द सेम इन बोथ द केसेस, बट एमीटर रीडिंग विल बी लेस इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एज कंपेयर टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेम रेसिस्टेंस बिकॉज आर सीरीज इज मोर देन आर पैरेलल एंड आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस फॉर कॉन्स्टेंट अप्लाइड वोल्टेज एज शोन इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इन वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट विथ पी प्लांट मेंडल ऑब्जर्व दैट व्हेन ए प्योर टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विथ अ प्योर ड्वार्फ पी प्लांट इन द फर्स्ट जनरेशन F1 ओनली टॉल प्लांट अपीयर्स। क्वेश्चन ए और बी है, व्हाट हैपेंड टू द ट्रेट ऑफ द ड्वार्फ प्लांट इन द केस, और बी है, व्हेन द F1 जनरेशन प्लांट्स वर सेल्फ फर्टिलाइज्ड ही ऑब्जर्व दैट इन द प्लांट्स ऑफ सेकंड जनरेशन F2 बोथ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट वर प्रेजेंट। Why it happened? Explain briefly. यानी आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस पूछा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर सैम्पल पेपर में भी लगभग मैं दे रहा हूँ आपको, तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख देना, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैंने बता रखा है बहुत बार, देखो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस इंडिकेटेड दैट आउट ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ओनली वन अपीयर इन दी प्रोगेनी ऑफ फर्स्ट जनरेशन दैट इज F1। दिस इंप्लाइज दैट द ट्रेट विच अपीयर इन F1 जनरेशन इज डोमिनेंट एंड द ट्रेट विच डज नॉट एक्सप्रेस और डज नॉट अपीयर इन F1 जनरेशन इज रिसेसिव। We can also say that gene controlling the dominant trait is dominant gene or allele and gene controlling the recessive trait is recessive gene or allele. In F1 progeny, although the dominant trait is expressed, but genes for both dominant and recessive traits are present in heterozygous condition. Inherited, but not expressed. Recessive gene inherit to why F1 mein, lekin express nahi ho paya. The recessive trait has a chance to express in next generation, that is F2. Only if recessive genes come in homozygous condition, this can be illustrated by the given cross. और ये cross से आप इसको illustrate करके बता सकते हो। ठीक है, अब देखो इसका B जो question है कि when F1 generation plant were self fertilized, he observed that in the plants of second generation F2 both troll and dwarf plant were present. Why it happened? क्यों हुआ ऐसा? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रिसेसिव अपीयर हो गया, क्योंकि रिसेसिव को होमोजाइगस कंडीशन मिल गई, स्मॉल टी आ गया, इसलिए वो अपीयर हो गया। रिसेसिव तभी अपीयर होगा जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा।
तो बी का आंसर देखो ये है, अपीयरेंस ऑफ सप्रेस्ड यानी रिसेसिव ट्रेट्स इन इंडिविजुअल ऑफ एफ टू जनरेशन इज इन मेंडेलियन क्रॉस इंडिकेट्स दैट द करेक्टर्स ऑफ रिसेसिव ट्रेट्स आर नॉट लॉस्ट इवन व्हेन दे आर नॉट एक्सप्रेस्ड। व्हेन द एफ1 जनरेशन प्लांट्स वर अलाउड टू सेल्फ फर्टिलाइज बोथ द पैरेलल बोथ द पेरेंटल ट्रेट्स वर एक्सप्रेस्ड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन इन एफ2 जनरेशन दैट इज 3:1 फिनोटाइप। दिस कुड बी एक्सप्लेन बाय द गिवन क्रॉस बाय सेल्फिंग द गैमेट्स ऑब्टेन्ड इन एफ1 जनरेशन। तो ये क्रॉस करके बता दो आप, ठीक इस तरह से हो गया भाई। ये है सिचुएशन हमारे सामने, सबसे पहले ये है हमें होमोजाइगस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लेने, इनके जो गैमेट बनेंगे इधर से ये गैमेट बनेगा और इधर से ये गैमेट बनेगा, तो सारे के सारे प्लांट ये बनेंगे, ऑल फोर प्लांट्स आर दिस, इट मींस ऑल आर टॉल प्लांट, डोमिनेंट ओनली डोमिनेंट अपीयर। ये रिसेसिव है तो सही, इनहेरिट तो हुआ बट एक्सप्रेस नहीं हो पाया। क्यों नहीं एक्सप्रेस हुआ, क्यों नहीं एक्सप्रेस हो पाया, क्योंकि इसके साथ में दूसरा जो एलील था वो क्या था, वो डोमिनेंट था, और इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट रिसेसिव डू नॉट अपीयर, तो एफ1 जनरेशन में अपीयर नहीं हुआ, लेकिन इनहेरिट तो हुआ, गया तो सही ना एफ1 में गया तो है ये। अब एफ2 में क्या होगा, जब ये पेरेंट अगर हम इनका क्रॉसिंग करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे, ये सिचुएशन, तो इनके जो बनेंगे गैमेट वो ये होंगे। देखो अब अगर मैंने आपको बता रखा एक का ये एक दो ये तीन और चार है, तो एक का तीन के साथ, फिर एक का चार के साथ, एक का तीन के साथ, एक का चार के साथ, फिर दो का तीन के साथ और फिर दो का चार के साथ करवा के देखो, तो देखो एक का तीन के साथ तो टी टी, एक का चार के साथ तो कैपिटल स्मॉल, दो का तीन के साथ तो कैपिटल स्मॉल और दो का चार के साथ तो स्मॉल स्मॉल। अब F2 में वो अपीयर हो गया रिसेसिव वाला, क्यों अपीयर हो गया, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन बन गई, ये होमोजाइगस कंडीशन में ही अपीयर होगा, ओनली रिसेसिव विल अपीयर इन होमोजाइगस कंडीशन ओनली, एंड दिस कंडीशन हैपन इन F2 जनरेशन, दैट्स व्हाई इट अपीयर इन F2 जनरेशन, इन F1 इट डू नॉट अपीयर बिकॉज द कंडीशन इज हेटरोजाइगस फॉर रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट के लिए हेटरोजाइगस कंडीशन है, रिसेसिव ट्रेट इस होमोजाइगस कंडीशन में ही अपीयर होगा, इसलिए यहां तो अपीयर नहीं हो पाया लेकिन यहां पर अपीयर हो गया, इनका 3:1 आ गया फिनोटाइप, तीन लंबे दिखेंगे और एक बोना दिखेगा, जीनोटाइप आ गया 1:2:1, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ ओजोन डिप्लीशन, व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, व्हाट आर इट्स कंसीक्वेंसेस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना। ओजोन डिप्लीशन पे एक मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, ठीक है, वो आप देखो, वहां पर आपको ओजोन उसके कॉजेज और डिप्लीशन रीजन और इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन कॉन्सिक्वेंसेज सारा डिटेल से बता रखा है, केमिकल रिएक्शन कैसे होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, वो रिएक्शन करवा के मैंने आपको वहां से अच्छे से समझा रखा है, तो वो आप जरूर देखना, आपका बिल्कुल ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, ओजोन डिप्लीशन क्या है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या है और कंसिक्वेंसेज क्या है, तो ये आंसर आपके सामने देखो क्वेश्चन नंबर 13, ओजोन डिप्लीशन मीन्स द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमोस्फियर, ठीक है, डिप्लीशन का मतलब है ओजोन परत की मोटाई कम हो जाना, थिन हो जाना। मेनी केमिकल्स मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर रेस्पॉन्सिबल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्रियोन्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है फॉर ओजोन डिप्लीशन, दीज आर वाइडली यूज्ड एज कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, इन फायर एक्सटिंग्यूशर, इन एरोसोल स्प्रेयर एंड एज प्रोपेलेंट्स, ठीक है, ये इनके यूजेज है। वंस रिलीज्ड इन द एयर दीज केमिकल्स प्रोड्यूस एक्टिव क्लोरीन एंड सीएलओ रेडिकल्स, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन दीज रेडिकल्स through chain reaction they destroy the ozone by converting into oxygen, और वो oxygen ozone को तोड़ के oxygen में convert कर देते हैं, कैसे करते हैं ये उस video में आपको समझ में आ जाएगा, वहां से देखना पड़ेगा आपको। A single active chlorine can deplete one lake ozone molecule through chain reaction, एक chain reaction होती है, एक अकेला single chlorine का जो radical है ना वो 100,000 ozone के molecule को oxygen में तोड़ सकता है। Thinning of ozone layer allow ultraviolet UV radiation to pass through it which then strike the earth and causes harmful effect of man, animal and plants। अब इसके कंसेक्वेंसेज क्या हो गए, अगर ओजोन डिप्लीशन हो गई तो ये कंसेक्वेंस होंगे। देखो यूवी रेडिएशन इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर एंड हर्प्स, ये हम लोगों में होगा। यूवी रेडिएशन कॉजेज डैमेज टू आई रिजल्टिंग इन डिमिनिंग ऑफ आई साइट को डैमेज करेगी, रेटिना को डैमेज करेगी, कॉजेज डैमेज टू इम्यून सिस्टम हैंस लोअरिंग द बॉडी रेसिस्टेंस, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। हार्मफुल यूवी रेडिएशन इंक्रीज मोर्टेलिटी ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द मदर्स यूट्रस में एम्ब्रियो को नुकसान पहुंचा सकती है। These radiations decline the rate of photosynthesis in plants which ultimately increases the carbon dioxide concentration leading to global warming, और plants को भी ये इस तरह से harmfully मतलब effect करेगी, उनकी जो photosynthesis rate है वो कम हो जाएगी, concentration बढ़ जाएगी CO2 की और global warming भी cause होगा। तो ये बहुत ही most important question हो गया, ये इसको अच्छे से हमको करके जाना है, ठीक है। अब ये section B हमारे यहाँ complete हो गया, अब हम move करते हैं section C की तरफ, जहाँ पर हमारे सामने दो question होंगे और ए बी सी हर क्वेश्चन के तीन पार्ट होंगे, सी में हमको चॉइस मिलेगी और ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, सिचुएशन बेस्ड केस स्टडी बेस्ड टाइप क्वेश्चन होंगे, तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज इफ ए चार्ज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स एक्सेप्ट व्हेन इट इज मूविंग इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू इट. ठीक है, इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस डिपेंड्स ऑन द चार्ज वेलोसिटी वी. चार्ज वेलोसिटी को हम यूं कह सकते हैं करंट. ठीक है, वी से आप कंफ्यूज मत होना, ये करंट है. स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज बी एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन वी एंड बी. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ये लेफ्ट हैंड रूल का डायग्राम बना रखा है और ये दे रखा है देखो इस तरह से कि तीनों अगर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम फोर्स होगा. भाई यहाँ पर तीन चीज है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में, तीन चीज है ये हम फोर्स ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन की फोर्स ऑफ डायरेक्शन निकालने के लिए हम लेते काम में एफ बी आई फादर मदर चाइल्ड. एफ फॉर फोर्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड और आई फॉर करंट. ठीक है, ये होती है एफ बी आई. अब इसमें ये तीनों अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस होगा. अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो नो फोर्स. इनके बीच में एंगल साइन एंगल, एंगल ऑफ साइन यानी साइन थीटा जीरो, इनके बीच का एंगल अगर जीरो डिग्री है ना तो ये फोर्स मिनिमम होगा, जीरो फोर्स होगा. इनके बीच में 90 डिग्री अगर है तो मैक्सिमम फोर्स होगा. ठीक है, अब इसी पर ये आगे की जो क्वेश्चन है ना वो पूछे तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है. इफ एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स ईस्ट ए मैग्नेटिक फील्ड इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन अलोंग विच डायरेक्शन. यानी फोर्स का डायरेक्शन बतानी है आपको. क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है हॉरिजॉन्टली ईस्ट की तरफ तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव. यानी इलेक्ट्रॉन जा रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव तो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट है. इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? ईस्ट में जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन किधर है? वेस्ट में. तो करंट की डायरेक्शन वेस्ट है तो करंट यानी ये मिडिल फिंगर वेस्ट में रखनी है आपको, हॉरिजॉन्टली वेस्ट में. अब मैं जहां से खड़ा हूं ना वहां से ये वेस्ट है, इधर वेस्ट है. ठीक है, बोर्ड की तरफ वेस्ट है तो ये वेस्ट हो गया, मिडिल फिंगर को वेस्ट में रख लो. अब आगे क्या कह रहा है? ए मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये वाली लाइन ये डाउनवर्ड है, इसको डाउनवर्ड रखो. तो ये तो आए डाउनवर्ड और ये जाए वेस्ट में क्योंकि इलेक्ट्रॉन ईस्ट में जा रहा है तो ये वेस्ट में. ठीक है, तो अब बताओ थंब किधर जा रहा है? आप खुद करके देखो, थंब जाएगा साउथ में. ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विल बी इन साउथ. ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग करके वेस्ट में करके देखो आप, ये वाली फिंगर वेस्ट में आनी चाहिए. ठीक है, अब मैं जहां से खड़ा हूं ना वहां पर वेस्ट इधर है और ये जानी चाहिए डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ. तो अभी तो देखो ये ईस्ट में, अभी तो ये फिंगर ईस्ट में जा रही है तो ये नॉर्थ में जा रहा है थंब. लेकिन अगर मैं इसको वेस्ट में लेके जाऊं इस तरफ यूं करूं तो अब देखो थंब किधर जा रहा है? साउथ में जा रहा है, इधर मेरे साउथ है तो साउथ. अब जो बी क्वेश्चन है ना इसका, इसका देखो बी में क्या पूछा है. इफ ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल. अगर वो चार्ज पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, चार्ज पार्टिकल मतलब करंट. अब ये दोनों अलोंग द डायरेक्शन यानी पैरेलल है इस तरह से, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स या ये फोर्स कितना होगा? मिनिमम होगा, जीरो फोर्स होगा क्योंकि इनकी इनके बीच में क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए. अगर ये पैरेलल है अलोंग द लाइन, द डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज अलोंग द लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन देयर विल बी नो फोर्स, तो ये जीरो हो जाएगा. सी में देखो, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस्ट इन द प्लेन ऑफ पेपर पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज शोन इन फिगर. इन द फील्ड एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन आर मूविंग एज शोन, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन. इसको आप खुद से करके देख लो, मैं आपको बता देता हूं एक बार. देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस तरह से, ये प्लेन ऑफ पेपर है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है. ठीक है, बी की डायरेक्शन ये है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है और दोनों के डायरेक्शन, क्योंकि हमें पता है दोनों पर चार्ज अपोजिट है तो डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी. ये प्रोटॉन की डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है. अब इन पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में ये फिंगर रखनी है और प्रोटॉन पर फोर्स किधर होगा? प्रोटॉन की डायरेक्शन क्या है? प्रोटॉन की डायरेक्शन होती है प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी करंट के डायरेक्शन में प्रोटॉन है. तो ये फिंगर ऐसे, करंट के डायरेक्शन में ये ऐसे, तो थंब किधर जाएगा? ठीक है, थंब किधर जा रहा है? पेज, पेज के डायरेक्शन, पेज में. ठीक है, पॉइंटिंग इनटू द प्लेन, पॉइंटिंग इनटू द प्लेन. अब ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो यहां पर भी करंट की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट में. ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इस पर भी फोर्स कैसा है? पॉइंटिंग इन, पॉइंटिंग इनवर्ड. यानी दोनों पर ही जो फोर्स लगेगा ना वो फोर्स कैसे लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा, पॉइंटिंग इनवर्ड, पॉइंटिंग इनटू द प्लेन, पॉइंटिंग इनटू द प्लेन, पॉइंटिंग इनटू द पेज. ठीक है, दोनों पर भी डायरेक्शन ये थंब है ना इस तरफ आएगी, अंदर की तरफ, पॉइंटिंग इनटू द प्लेन. जो 14th का सी है ना, इसके चॉइस में भी जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन देखो आप. व्हाई डज अ करंट कैरिंग वायर मूव व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी करंट कैरिंग वायर को रखा जाता है तो वो प्लेस क्यों होता है?
वहाँ वो मूव क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. तो इसका आंसर ये है, देखो, ए करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड द टू मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड द वायर मूव्स. करंट कैरिंग वायर विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. और इसको रखा गया कहाँ पर है? मैग्नेटिक फील्ड में. टू मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट, अट्रैक्शन और रिपल्शन. बिकॉज ऑफ इट द वायर विल मूव, वायर विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑन इट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. और उसकी वजह से ये मूव होगा. क्वेश्चन नंबर 15 इज, एज न्यूट्रल एटम कार्बन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन के एल टू एंड फोर, टू गैन इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन. कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन दे रखा है, टू और फोर होता है हमें पता है, के और एल सेल में सिक्स होता है एटॉमिक नंबर. इट कैन इधर डोनेट फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हीलियम गैस कॉन्फिग्रेशन और गेन फोर इलेक्ट्रॉन नियॉन गैस कॉन्फिग्रेशन, बट इट कैन नॉट डू सो. यानी ना तो ये सी फोर प्लस बनाता है डोनेट करके और ना सी फोर माइनस बनाता है गेन करके. टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन कार्बन कैन ओनली शेयर इट्स फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड. यानी ये शेयरिंग करता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. अ कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम बाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है कि कोवेलेंट बॉन्ड इज द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम बाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सेम नंबर दोनों तरफ से सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग होती है. सो दैट ईच एटम एक्वायर द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस. द कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड वॉज गिवन बाई लेंगुमुर एंड लेविस टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन नॉन आयोनिक कंपाउंड. द कोवेलेंट बॉन्ड आर ऑफ थ्री टाइप, तीन टाइप के होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल. If each atom contribute one electron, the covalent bond formed is called a single covalent bond and is represented by a single line. And if each atom contribute two electron, the covalent bond formed is called double bond and is represented by double line. If each atom contribute three electron, then covalent bond formed is called a triple bond and is represented by triple line. अब तीन क्वेश्चन ए बी सी है. देखो पहला है, out of the compound SO2, NH3, HCl and O2, all are covalent compound. Which compound do not contain a double bond? किस में double bond नहीं है? देखो तो मैंने आपके सामने बना रखा है, इसमें किस में डबल बॉन्ड नहीं है. SO2 इस तरह से बनता है, एक सल्फर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, तो इसमें तो डबल बॉन्ड है. आगे देखो NH3 में नाइट्रोजन की तीन वैलेंसी होती है, सिंगल सिंगल, तीन एक एक हाइड्रोजन आते हैं, तो यहाँ देखो डबल बॉन्ड नहीं है. HCl में हाइड्रोजन और क्लोरिन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड नहीं है. ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा, आप ये लिख दो NH3 एंड HCl, एक आंसर. अब क्वेश्चन बी देखो, गिवन एन एग्जांपल ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग ए ट्रिपल बॉन्ड. एक ऐसे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल दो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है. तो ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, N2 बनता है, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है एटम के बीच में, ठीक है. सी में पूछा है, डिफाइन कोवेलेंसी एंड गिवन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल इन विच ऑल इट्स एटम जॉइंट टुगेदर बाय डबल कोवेलेंट बॉन्ड. यानी कोवेलेंसी की डेफिनेशन देनी है और एक ऐसे मॉलिक्यूल का एग्जांपल देना है जिसमें एटम डबल कोवेलेंट बॉन्ड से, सारे एटम डबल कोवेलेंट बॉन्ड से जॉइन हो. तो देखो ये है वो एटम CO2 जिसमें सारे के सारे एटम डबल कोवेलेंट बॉन्ड से जॉइंड है. कोवेलेंसी के डेफिनेशन का देनी है, तो कोवेलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बाय ईच एटम इन कोवेलेंट कंपाउंड इज कॉल्ड कोवेलेंसी ऑफ दैट एटम. जैसे यहाँ ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, दो, तो इसकी कोवेलेंसी दो है. यहाँ पर कार्बन ने कितने शेयर किए, दो इधर और दो इधर, चार, तो कार्बन की कोवेलेंसी चार है. देखो ये इसका आंसर है, ए बी सी के आंसर मैंने आपको बता दिए और में दे रखा है, और सॉरी ये सी का आंसर देख लो एक बार. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई ईच एटम फॉर शेयरिंग इज नॉन एज कोवेलेंसी. यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई ईच एटम फॉर शेयरिंग इज नॉन एज कोवेलेंसी. CO2 मॉलिक्यूल हैज ऑल द एटम जॉइंट टुगेदर बाई डबल कोवेलेंट बॉन्ड. अब इसके और में जो क्वेश्चन है ना वो देखो, एक्सप्लेन ब्रीफली द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2. Cl2 की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बतानी है, ये इसका आंसर है. देखो इन क्लोरीन मॉलिक्यूल बोथ क्लोरीन एटम कंट्रीब्यूट वन इलेक्ट्रॉन एंड दस शेयर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. एज शेयर्ड पेयर इज शेयर्ड बाय बोथ एटम्स दे एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन ऑफ ऑर्गन एटम इन वैलेंस सेल. तो इस तरह से शेयरिंग होती है. क्लोरीन क्लोरीन 17 है, एटॉमिक नंबर 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. देखो तीनों के पास 7 है, 3 और ये 4, 7, इसके पास भी 7 है, एक एक कम है, एक एक शेयर करेंगे सिंगल बॉन्ड बनता है, तो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, ठीक है. और इस तरह से आप इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दो. ये था सैम्पल पेपर 4 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक मैंने करवाया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी तक के सैम्पल पेपर में नहीं आए, ठीक है. मतलब वही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ मैं जो पीछे वाले सैम्पल पेपर में नहीं हो, जिनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है. तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने सभी फ्रेंड के साथ में शेयर करना इस वीडियो को प्लीज़. ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट सैम्पल पेपर में, सैम्पल पेपर 5.